हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 में आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले के बारे में। बात करेंगे दोनों ही टीमों की टीम न्यूज और क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात बता दें कि डेडलाइन का जो समय अब 90 मिनट पहले कर दिया गया है। मैच से 90 मिनट पहले आपको डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान आज के मैच में ज़रूर रखिएगा और एक बार डेडलाइन चेक कर लीजिएगा। वही बात करें तो बंगाल वर्सेस पुणे वॉरियर्स का ये मुकाबला जो है आपको अहमदाबाद में खेला जाएगा। देख लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से टीम न्यूज़। बंगाल वॉरियर्स की तरफ से फिलहाल कोई टीम न्यूज़ नहीं है। वही बात करें पुणेरी पल्टन्स की तरफ से तो नितिन तोमर जो है कि इंजर्ड हैं, उनके खेलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। हाँ, ऐसा है कि वो खेल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन खेलने के चांसेस काफ़ी कम है। वही बात कर लेते दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस की तो बंगाल वॉरियर के लास्ट 5 मैचों में से 3 में हार, 1 में जीत और 1 मैच इनका ड्रॉ रहा है। वहीं बात कर लेते पुणेरी पल्टन का तो इनका 5 मुकाबलों में पिछला 4 मुकाबलों में हार और मात्र 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस की। वहीं बात कर लेते दोनों ही टीमों के हेड टू हेड प्रदर्शन की तो कुल 2 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, जिसमें से एक ने बंगाल वॉरियर, एक में पुणेरी पल्टन ने जीत हासिल की। तो यहाँ पे दोनों का पलड़ा बराबर नज़र आ रहा है। भाई बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से प्रोबेबल 7 की तो पुणेरी पल्टन की तरफ से आपको मोनू, प्रवेश, जीबी मोरे, अक्षय यादव, रिंकू नरवाल, गिरीश मूर्ति नायक और रवि कुमार और यहाँ पे नितिन तोमर को डाउट में मैंने रखा है, क्योंकि इनके चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, 50-50 चांसेस है। आप अगर चाहें तो नितिन तोमर को ग्रैंड लीग में पिक करके सीधा कैप्टन बना सकते हैं और अगर रिस्क लेना चाहे तो आप बिल्कुल ही रिस्क लेके स्मॉल लीग में भी नितिन तोमर को बना सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में बहुत कम ही लोग होंगे जो इन्हें रिस्क लेके कैप्टन बनाएंगे, लेकिन आप चाहें तो ग्रैंड लीग में रिस्क लेके इन्हें कैप्टन बना सकते हैं। वही बात कर ले बंगाल वॉरियर्स की तरफ से सुरजीत सिंह, महेंद्र सिंह, आदर्श टी, जैन कुंडली, बलदेव सिंह, रन सिंह, अमित नागर, राकेश नरवाल या जी आर रमन में कोई एक खेलते हुए नज़र आ जाएगा। वही देख लेते हैं क्या होगी ड्रीम इलेवन टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगी ड्रीम इलेवन की टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। तो यहाँ डिफेंडर सेक्शन की बात करें तो गिरीश मूर्ति नायक को मैंने अपनी टीम में पिक किया, आप चाहे तो यहाँ से सुरजीत सिंह को बिल्कुल ही पिक कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने रवि कुमार को पिक किया अपनी टीम में और यहाँ से मैंने आदर्श टी को अपनी टीम में पिक किया है। आप चाहे तो बिल्कुल यहाँ बलदेव सिंह के साथ जा सकते हैं और यहाँ से आप रिंकू नरवाल के साथ जा सकते हैं और यहाँ सुरजीत सिंह भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वही बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने संदीप नरवाल, रन सिंह को पिक किया। आप चाहे तो बिल्कुल ही मोनू के साथ जा सकते हैं, बहुत ही लोग मोनू के साथ गए भी होंगे। देखिए 46% लोगों ने मोनू को अपनी टीम में पिक किया है। बात करते हैं संदीप नरवाल जो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है और रन सिंह तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं ही, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी पिक कर सकते हैं रन सिंह को, तो आप इनको ले सकते हैं अपनी टीम में। आप चाहे तो यहाँ से संदीप नरवाल को छोड़ के मोनू को ले सकते हैं या फिर रन सिंह को छोड़ के मोनू को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कौन आपको बेस्ट नज़र आ रहा है तो वो अपने अनुसार ऑलराउंडर पिक कर लीजिएगा। वहीं बात करें रेडर सेक्शन से तो मैंने यहाँ पे महेंद्र सिंह और जैन कुंडली को अपनी टीम में पिक किया। आप चाहे तो बिल्कुल यहाँ से रिस्क लेना चाहे तो नितिन तोमर को ले सकते हैं, मुकाबला खेल भी सकते हैं, नहीं भी इनके थोड़े कम चांसेस है। अगर ये खेल गए तो आपको पता है काफ़ी अच्छा पॉइंट स्कोर करा के दे सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो बिल्कुल ही नितिन तोमर के साथ जा सकते हैं, मैं बिल्कुल ही नहीं रुकूंगा। और यहाँ पर आप जीबी मोरे के साथ जा सकते हैं और राकेश नरवाल, अक्षय यादव, ये सब भी अच्छे पिक हो सकते हैं। देखिए यहाँ से अक्षय यादव की बात की तो 45% लोगों ने इन्हें अपनी टीम में रखा है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही इनके साथ जा सकते हैं। वहीं बात कर ले तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की तो मैंने कैप्टन के लिए मनिंदर सिंह और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ से मैंने रन सिंह को पिक कर देता हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल जैन कुंडली को पिक कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। मेरी माने तो आप जैन कुंडली के साथ जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पिक होंगे। और एक बात की आप बिल्कुल ही अपनी अनुसार टीम बना के जाएं, मैं बस ये डेमो दे रहा हूं। आप ये ना करें कि आप बिल्कुल ही ऐसे ही टीम से खेल जाए, आप एक दो चेंजेस जरूर करें, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर चेंजेस करें,
तो आप अपने अनुसार ही टीम जाए, बस मैं डेमो दे दिया, बता दिया कि कौन कौन खेल सकते हैं और कौन कौन नहीं खेल सकते और किस टाइप की टीम आप लेके जा सकते हैं। पर आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आप जाना चाहें, आपके अनुसार लगता है कि यही टीम बेस्ट है, तो आप बिल्कुल ही जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें मुझे। धन्यवाद।